असली महानायक है तो वो और कोई नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। मैदान सजा हुआ था, संग्राम का ऐलान हो चुका था, सबने कमर कस ली थी, हर तरफ चुनावी शोर था, 7 सीटों पर उपचुनाव का संग्राम होना था। प्रत्याशियों के चयन से लेकर सियासी बिसात बिछनी थी और आखिरकार यूपी में उपचुनाव की दंगल का आगाज हुआ, जहां एक तरफ विरोधी सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ योगी की पूरी सेना मैदान में थी। संगठन और बूथ की कमान संभाली प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल ने, तो सरकार के सारे मंत्रियों की ड्यूटी अलग अलग सीटों पर लगाई गई। किस सीट पर किस नेता से लाभ मिलेगा, किससे नुकसान हो सकता है, इस समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। सीएम योगी ने संभाली प्रचार की कमान, 7 सीटों पर योगी ने की जनसभा, सरकार के मंत्रियों ने भी संभाला मोर्चा, सरकार और संगठन में बेहतरीन सामंजस्य, घर घर पहुंचे प्रदेश स्तरीय नेता, स्वतंत्र देव सिंह लेते रहे हर सीट की रिपोर्ट, बूथ स्तर की रिपोर्ट पहुंची बीजेपी कार्यालय, बीजेपी के कार्यकर्ता जी जान से जुटे, सांसदों ने भी झोंकी ताकत। मैं आदरणीय योगी जी को, हमारे डिप्टी सीएम जी को मैं बधाई देता हूं, आदरणीय सुनील जी को और जो पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ता लगे, जिसके कारण यह परिणाम आया है और इस परिणाम के आधार पर और बिहार के जीत को भी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में जो रात दिन, आदरणीय संतोष जी भी रात दिन जो बिहार में डेरा डाले पूरी टीम के साथ, आज बिहार का भी रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं हृदय से आप सभी को बधाई देता हूं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद प्रदान किया, मैं उत्तर प्रदेश के पूरे जनमानस को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। बिहार के अंदर भी इतनी जबरदस्त विजय जिससे के कारण से केवल बिहार ही नहीं पूरा देश खुश है और यूपी के उपचुनाव का इतना शानदार रिजल्ट, और इस रिजल्ट से कहूं कि एक बहुत बड़ा संदेश है और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे उनके सपने सपने रह जाएंगे। विपक्ष ने जो शोरगुल मचा के एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची थी वो असफल भी, और जनता का जो विश्वास जागृत हुआ है, मैं समझता हूँ दिवाली गिफ्ट जो है वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। तो क्या 2022 का सेमीफाइनल माना जाए इसको? ये टेलर था, असली पिक्चर 2022 में होगी और पहले ज्यादा बहुमत से बीजेपी जीती। उपचुनाव में मिली जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी को बधाई और कहा कि ये जीत यूपी सरकार को नई ऊर्जा देगी। उपचुनाव में मिली जीत से जहां बीजेपी उत्साहित है तो विरोधियों के खेमे में सन्नाटा पसरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी की